वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. तो डियर स्टूडेंट, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में आज की क्लासेस में हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे और कुछ लेटेस्ट पैटर्न पे जो क्वेश्चंस है उसको हम डिस्कस करेंगे. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस बार आपके एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन 100% आएगा ही आएगा. चलिए स्टार्ट करते हैं. देखो बच्चे, क्वेश्चन है, द फॉलोइंग टेबल्स गिव्स द कॉस्ट लिविंग इंडेक्स नंबर 1998 विद 1996 एज अ बेस ईयर एंड डिफरेंट कम्युनिटी ग्रुप्स. फूड, क्लोथिंग, आपके पास में क्या है, कम्युनिटीज है. ठीक है बच्चे, क्या क्या फूड आपके पास में कम्युनिटीज में, लाइक फूड है, क्लोथिंग है, फ्यूल है, लाइट है, रेंट है एंड मिसलेनियस है. ठीक है बच्चे, मिसलेनियस 440, 500, 350, 4250 रिस्पेक्टिवली. तो बच्चे क्या कह रहा है, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स फॉर 1998 टू 1996 एज द बेस ऑफ द डिफरेंट कम्युनिटी ग्रुप्स, फूड, क्लोथिंग, फ्यूल एंड लाइट, रेंट एंड मिसलेनियस एज द रिस्पेक्टिवली विद देयर वेट इन ऑर्डर टू दिस. वेट ये है, तो फिर बच्चे ये क्या दिया हुआ है, ये बेसिकली जब हम निकालते थे ना बच्चे पी P1 अपॉन P0 into 100. इस बार कैलकुलेट करने की नीड नहीं है आपको, इस बार ये गिवन है. ये क्या है, बेसिकली ग्रुप प्राइस है, ग्रुप इंडेक्स का P है, ग्रुप इंडेक्स का ये P है. और ये क्या है, 440, 500, 350, 400, 250, 50, फूड, क्लोथिंग, फ्यूल एंड लाइट. अच्छा फ्यूल एंड लाइट एक ही है. फ्यूल एंड लाइट, रेंट, मिसलेनियस, अब देखिए बच्चे यहां पर 500, 350, 400, 250. ये बेसिकली बच्चे पी है, इसको कैलकुलेट करने की नीड नहीं है, गिवन है आपको. और इस बार आपके पास में जो वेटेज है ना वो दिया हुआ नहीं है, इस बार जो वेट है उसको आप W बोलते हैं, वो वेट गिवन नहीं है, उस वेट का रेशियो गिवन है आपके पास में. क्या 15, 1, 2, 3 एंड 4. बच्चे आपको पता है कि रेशो में और डेटा में क्या फर्क होता है, जब रेशो में लाइक फादर एंड सन के एज का रेशो 3:1 है, तो फादर को आप क्या लेट करते हैं 3x एंड सन क्या हो जाता है 1x. तो रेशो है ये, डेटा नहीं है, तो आप इसमें x कंसीडर करेंगे ना, तो इसलिए अब आप इस रेशो कभी भी आ जाए तो आप इसको एज अ x कंसीडर करेंगे. क्लियर है बच्चे. अब आपको पता है कि जब आपके पास में पी एंड डब्ल्यू आता है तो आपके पास में जो है फॉर्मूला क्या होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का. अब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इसमें P01 इक्वल्स टू समीशन PW अपॉन समीशन W, ये अप्लाई करेंगे आप. तो चलिए कैलकुलेट करते हैं, यहां पर हम PW कैलकुलेटर है बच्चे, इसको यूज करते हैं. हाँ जी, देखिए बच्चे
440 multiply by 15 double 6 double 0 x x x x और 1000 x. क्लियर है बच्चे? एंड समीशन ऑफ डब्ल्यू पी या पी डब्ल्यू आप करते हैं तो 1000 प्लस 1200 प्लस 700 प्लस 500 प्लस 6600 तो 10000 x. एंड फॉर्मूले में इंप्लीमेंट करेंगे इसको आप तो P01 अपॉन समीशन PW अपॉन समीशन W एंड PW के आपके पास में 10000 x अपॉन समीशन ऑफ W के आपके पास में 15 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 25 x. ठीक है, सॉल्व करेंगे आप तो आपके पास में क्या आ गया बच्चे? आपके पास में आ गया यहां पर 400, ये आपके पास में आंसर हो गया. ठीक है, क्लियर है? अब लेकिन आपसे सवाल ये नहीं पूछ रहा कि अब आपका इंडेक्स नंबर कहां पहुंच गया, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स. लाइक पहले अगर 100% कोई चीज हुआ करती थी आपका एक्सपेंस इन कॉमोडिटी पे, अब वो 400 हो गया. इट मींस आपका जो एक्सपेंस है सेम कॉमोडिटी पे अब 4 times हो गया. इसका मतलब ये है बच्चे, क्लियर है? अब देखें यहां पर, अब कह रहा है सपोज अ पर्सन वॉज अर्निंग 4000 rupees. क्या कह रहा है? ऑब्टेन द ओवरऑल कॉस्ट लिविंग इंडेक्स नंबर. सपोज पहले वो व्यक्ति 4000 rupees में इसको अफोर्ड कर लेता था, पर अब वो 4 times हो गया. व्हाट शुड बी हिज द सैलरी इन द 1998 टू मेंटेन द सेम स्टैंडर्ड ऑफ द लिविंग. इस स्टैंडर्ड को, इन्हीं कम्युनिटी को वो मेंटेन करने के लिए उसको कितना एक्सपेंस करना पड़ेगा. क्लियर है बच्चे? तो लिविंग एज इन 1986, तो बस आपके पास में जो ये 4000 है ना, जो दिया होगा, अगर वो प्रीवियस, देखो ये कौन सा दिया हुआ है इस पर डिपेंड करता है. ये अभी का टोटल एक्सपेंस दिया हुआ है इस इंडेक्स को अफोर्ड करने के लिए, पहले वाला. अगर ये क्या है, पहले वाला ऑलवेज क्या होता है, 100 होता है. करंट वाला क्या होगा, जो अपन निकालोगे. तो ये नीचे क्या आएगा, डिपेंड करता है गिवन कौन सा है. प्रीवियस वाला दिया हुआ है तो प्रीवियस वाला नीचे आ जाएगा 100, करंट का दिया हुआ तो करंट वाला नीचे आ जाएगा 400. तो दिया हुआ क्या है बच्चे, ये प्रीवियस वाला दिया हुआ है तो प्रीवियस वाला ऑलवेज 100 होता है. ठीक है बच्चे? और पूछ क्या रहा है आपसे, करंट का. तो जो पूछेगा उससे मल्टीप्लाई बाय 400 कर देंगे. क्लियर है? तो सॉल्व करेंगे आप 16000, ये आपका आंसर है. क्लियर है? तो समझ में आ गया बच्चे आपको? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. एक बार आप ट्राई करना, फिर मैं करवाऊंगा नेक्स्ट क्वेश्चन को. ये क्वेश्चन आपका है, आपके सामने है. हां जी बच्चों, देखो इस क्वेश्चन को देखो. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आपको ग्रुप गिवन है. इन अ कैलकुलेट अ सर्टेन कॉस्ट लिविंग इंडेक्स नंबर ऑफ अ फॉलोइंग वेट वर यूज्ड. फूड 15, क्लोथिंग 3. पहले आप ग्रुप लिख लें अपना. ग्रुप में क्या क्या है? फूड है, फूड आपके पास में, वेट भी गिवन है. चलिए वेट बाद लिखेंगे. फूड है, क्लोथिंग है, रेंट है, फ्यूल एंड लाइट है, फ्यूल एंड लाइट है, उसके बाद मिसलेनियस है. ये ग्रुप हो गया. अब इसका वेट भी गिवन है आपको.
उसको हम डब्ल्यू कहते हैं। वो वेट क्या गिवन है, फूड आपका 15 है, क्लोथिंग 3 है, रेंट 4 है, फ्यूल एंड लाइट 2 है, मिसलेनियस 1 है। कैलकुलेट द इंडेक्स फॉर द डेटा। अब क्या हुआ कि एवरेज प्राइस इंक्रीज इन द आइटम्स, तो जो परसेंटेज जो प्राइस में जो चेंज आया ना वो कितना आया, वो आपके पास में 32%, 54%, 47% एंड दिस ये परसेंटेज चेंज इन प्राइस आया, परसेंटेज राइज इन प्राइस। तो अब देखो बच्चे, पहले जो प्राइस था उसमें 32% का इंक्रीमेंट हो गया, तो जो हम निकालते थे ना P1 अपॉन P0 इनटू 100, ये तो यही बताता ना कि अब का प्राइस पहले का प्राइस का कितना परसेंट हो गया। तो इस बार आपको जो है बेसिकली क्या P आपके पास में ऑलरेडी गिवन है, बट आपका 32 नहीं आएगा, 32% इंक्रीज हुआ तो 132 होगा, 54 हो गया तो 154 हो गया, एंड 147 है, 178 है और 158 है। सिंपल है, ठीक है बच्चे। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या निकाल लो, अब आप उसका जो है सबसे पहले उसका इंडेक्स निकाल लो, प्राइस इंडेक्स के करंट में उस कमिटी को अफोर्ड करने में उसको कितना एक्सपेंस बियर करना पड़ रहा है। तो आप क्या निकालोगे, पीडब्ल्यू 132 इंटू 15, 1980 154 इंटू 3 462 147 इंटू 4 588 178 इंटू 2 356 एंड 158 क्या गए, पीडब्ल्यू आ गया। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, समीशन ऑफ पीडब्ल्यू, दिस वन समीशन ऑफ पीडब्ल्यू 158 प्लस 356 प्लस 588 प्लस 462 प्लस 1980 3544 हाँ जी, समीशन पी डब्ल्यू अपॉन समीशन डब्ल्यू, समीशन डब्ल्यू क्या कहेंगे, अठारह अठारह चार बाईस, बाईस दो चौबीस और एक 25, तो आपके पास में 3544 अपॉन में 25 P01 3544 डिवाइडेड बाय 25 तो क्या आया 141.76। क्लियर है बच्चे, ये पहले आपको कोई डाउट किसी बच्चे को, ठीक है। अब कह रहा है कि पहले इनको अफोर्ड करने में 2050 रुपीस लग जाते थे, तो अब इन्हीं चीज को अफोर्ड करने में कितना लगेगा, तो अब मेरा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कॉस्ट इंडेक्स मेरा कितना हो गया 141.76% हो गया। तो पहले कितना लगता था हमारा 2050। फर्स्ट ऑफ ऑल डेटा देखा करो, पहले वाला है तो 100 को रिप्रेजेंट कर रहा है, अब वाला है तो अब वाले को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जो है उसके नीचे हो जाएगा, पहले वाला है तो पहले वाला ऑलवेज 100 होता है, अब वाला कितना हो गया तो 141.76। चलिए सॉल्व करते हैं, 2050 इंटू 141.76 डिवाइडेड बाय 100, तो अब आपको 2906.08 ये अब आपको आपका एक्सपेंस लगेगा सेम चीज को अगर आप अपने
मेंटेन करते हैं तो उसको लेने में आपको इतने पैसे अपने तैयार रखिए। क्लियर है?